हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षास किचन। फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं काठियावाड़ी सादी खिचड़ी। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने हमें यहाँ पे एक कटोरी चावल लिया है और उसी कटोरी के माप से मैंने यहाँ छिलके वाली मूंग की दाल ली है। आप यहाँ पे अगर बिना छिलके वाली दाल लेना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट एकदम से बढ़िया रहता है तो यही डालिएगा। टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर मैंने नमक लिया है और एक आधी टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है। जिस कटोरी के माप से हमने चावल लिया है उसी कटोरी के माप से दो गुना यानी डबल हमें पानी लेना है, यानी कि एक कटोरी चावल, एक कटोरी मूंग दाल, तो साथ में दो कटोरी हमें पानी लेना है। तो चलिए अब बनाते हैं हम सादी खिचड़ी। सबसे पहले हमें मूंग दाल और जो हमने चावल लिया है दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, दो या तीन पानी से ऊपर एकदम से बढ़िया हमें वॉश करके ही लेना है। देखिए, एकदम से वॉश करके ले लिया है। अभी हम गैस पर एक बर्तन चढ़ा देंगे और गैस को एकदम से मीडियम आंच पर चालू कर लेंगे। अभी इसके अंदर हमें पहले पानी डाल देना है। हमने जो पानी लिया है दो माप का, उसे डाल देना है फिर। और साथ में ही हमें हमारा टेस्ट के मुताबिक जो हमने माप से नमक लिया है उसे डाल देंगे और जो टेबल स्पून आधे टेबल स्पून जितना हल्दी लिया है उसे डाल देना है। उसे पानी के साथ में हमें हमें गर्म होने देना है। जैसे मिक्स हो जाता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। ये देख लीजिए, एकदम से बढ़िया मिक्स हो चुका है। ज़्यादा गर्म अभी नहीं होने देना है। और हमने जो चावल और छिलके वाली जो दाल ली है उसको इसके साथ में डाल देंगे। हल्के हाथ डालिएगा फ्रेंड्स, पूरा इसके साथ में होने देना है। अभी इसके अंदर फ्रेंड्स में कोई भी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ये आप ध्यान से रखिएगा। इसे मिक्स कर लेंगे और इसी तरह गैस को धीमा कर लेंगे हम और उसे धीमी आंच पर होने देंगे। ढकना नहीं है अभी, इसे धीमी आंच पर होने देंगे। अब देख लीजिए, एकदम से हो चुकी है। अभी हमें हमारी जो आँच है वो एकदम से धीमी कर लेनी है और उसे ढक कर ही हमें होने देना है। आँच एकदम से जो गैस की आँच है उसे फ्रेंड धीमे ही रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, होने को आई है। अभी इसके अंदर हमें डाल देना है दो बड़ी टेबल स्पून तेल। अच्छे से फिर उसे मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। तेल ज़्यादा रहेगा तो हमारी खिचड़ी के अंदर एकदम से बढ़िया टेस्ट आएगा, जो हमें कहते हैं ना अच्छा स्टाल का भी रहता है उसे। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पूरे तक में पूरा मिक्स कर लेना है तेल के साथ में उसे, ताकि पूरे नीचे तक उसे चावल और जो हमारी मूंग दाल है उसके साथ में आ जाए। मिक्स करने के बाद उसे फिर से हमें ढक लेना है और एकदम से ड्राई होने देंगे। चलिए देख लेते हैं मसाला। जैसे ही सादी खिचड़ी हो चुकी है हमारी, एकदम से बढ़िया हो चुकी है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए। ठीक है, अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, गर्मा गर्म है, पूरी पक चुकी है। इसे हम बाउल में निकाल लेके अभी सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी सादी खिचड़ी। फ्रेंड्स, इसे गर्मा गर्म परोसते समय उसके ऊपर घी जरूर से डालिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।